यूपी के चंदौली में शिक्षा मित्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। खबर चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में मंगलवार को एकत्रित होकर शिक्षा मित्र संघ द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना एवं विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित होकर सभी ब्लॉक के शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को रखा और सरकार से मांग की है कि जल्द ही इसको पूरा किया जाए। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने कहा कि हम लोगों की 21 सूत्री मांग है, जिसको सरकार ने अभी तक रोक रखा है और विश्व शिक्षा मित्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से कई बार मांग किया गया, लेकिन फिर भी किसी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को नहीं सुना, जिसके चलते प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चकिया में भी प्रदर्शन एवं धरना का कार्यक्रम रखकर सरकार से भी समस्याओं के निस्तारण के लिए मांग किया गया और इसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है, तो जिला एवं प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित होकर पुरजोर विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जी, आप लोग आज प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? ये प्रदेश के नेतृत्व पर 21 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग शिक्षा मित्र संघ, शिक्षक संघ, अनुदेशक संघ, रसोइया संघ, सभी लोग एक साथ पूरे प्रदेश के विकास खंड के ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदेश के नेतृत्व हो रहा है। अगर ये सरकार यहाँ नहीं मानती है तो हम लोग इस प्रदर्शन को जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक लेकर जाएंगे।